सुप्रीम कोर्ट को ना समझान लगा ये कानून, वहां कौन आदमी बैठा पढ़े लिखे तो बैठे है, अब ये नूना कहने लगा कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट की समझ में ना आ रहे, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों की समझ में ना आ रहे। ये भाजपा और के अंधभक्त जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट को भी देशद्रोही बता देंगे, ये कह देंगे खालिस्तानी बैठे हैं वहाँ के जज। सभा किस करने जा रहे, हम तो यहाँ पड़े बॉर्डर पे, खट्टर साहब यहाँ आओ। जो हमें नक्सली कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, ये वे लोग हैं जब देश की आजादी हो रही थी तो ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे आरएसएस वाले। मुझे तो ऐसा लगा स्पेशल बीजेपी के नेता ही दिखे हैं वे, जो बिना महिला के आ गए हैं धरती में, जब भी तो महिला का अपमान करना जाने हैं वे। मैंने बोला मैं घर आ रही हूँ, जन्मदिन मेरा था कल, तो मैंने कहा मना नहीं आ रही, मेरी बहन ने कहा तेरी टांग ने तोड़ दूंगी, वही जन्मदिन मना लिया हमारे बालकों को लेकर। किसान आंदोलन को 47वां दिन हो गया है, लगातार बातचीत जारी है, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसकी अपडेट आपको मैं दे दूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे, केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, कई सवाल भी सरकार से पूछे हैं। पूनम पंडित जी मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। पूनम जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों का पक्ष लिया है, जो कि लेना भी चाहिए क्योंकि देश का अन्नदाता सड़कों पर है, क्या लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आपका साथ देगी? देखिए, उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे दुख को कष्ट को नज़र में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट आगे भी आदेश ये ऐसे ही करे जिससे कि हमारी परेशानियां दूर हो जाए। और बड़े बड़े आभार हैं, हम सभी देश का किसान उनका आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने हमारे दुख को कष्ट को नज़र में रखते हुए हमारे मुद्दे पे बात की और हमारे फेवर में उन्होंने बात की। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सरकार से कि आप विफल क्यों हो रहे हैं, महीना भर हो गया है, आप लगा दें या तो रोक या तो हम लगा देंगे रोक। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये लोग कोर्ट में गए ही इसलिए थे ताकि हमारा जो ये कानून है ये रद्द ना कर पाए, ये कोर्ट में गए इसलिए थे। ठीक, दूसरी बात, ये केंद्र सरकार का मामला है, इन्होंने कोर्ट में इसलिए तले जाए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले, ज्यादा से ज्यादा ही हमें परेशान कर सके। लेकिन देश का किसान है और वे सुप्रीम कोर्ट में जितने पदाधिकारी बैठे वे भी किसी न किसी किसान परिवार से ताल्लुक रखते होंगे, तभी तो उन्होंने मद्देनजर रखते हुए ये सब बात कही है। अच्छा, जिस तरीके से सरकार चौपाले कर रही है, कल भी खट्टर सरकार वहां महापंचायत करने जा रही थी करनाल में, लेकिन उनके काफिले को रोक दिया गया, सभा जो है वो रद्द हो गई, क्या आगे भी ऐसे ही होगा, कोई बीजेपी का नेता आएगा समझाने के लिए? तो देखिए, वे सभा करने किससे जा रहे मेरी समझ में नहीं आ रही, आप मुझे समझा दो या वो समझा दे, मैं जो प्रवक्ता है इनके स्पेशल वाले, सभा किस करने जा रहे, हम तो यहाँ पड़े बॉर्डर पे, खट्टर साहब यहाँ आओ। वहाँ कौन है, वहाँ डांगरों से जा रहे सभा करने, भीत कोड़ों से जा रहे और अपने आप ही तोड़ फोड़ करवा लग रहे, ये किसानों का नाम लगाना चाह रहे। ठीक है, हमारे पास हमने ना करा ऐसा कोई नुकसान, देश का किसान किसी को नुकसान ना करता। आंदोलन बदनाम कर रही है, बदनाम तो शुरू से ही कर रहे हैं, आज तो पहला दिन है ही ना, लाली तो शुरू के दिन से ही बनी हुई है, सच दिखा रहे, जेल ना चली जाए, आप बात का भी ध्यान रखे, सबको कह रही हूँ मैं, तुम सारे के सारे ज्यादा सच दिखा रहे हो जेल जा सको। दूसरी बात, आंदोलन को बदनाम करने की हमारी तो शुरू के दिन से रणनीति बना रखी है उन्होंने, तो मुझे बताने की जरूरत ना। अच्छा, जिस तरीके से कल हमने देखा खूब वीडियो वायरल हुए, आपके पास पुलिस आई और आपको कहने लगी हमारे साथ चलो, क्या मामला था पूरा, क्या पुलिस अब आपके पीछे भी लग गई है? देखिए, आज ये पहली कल ये पहली बात नहीं थी, कल मेरा परिवार आया था, मैंने बोला मैं घर आ रही हूँ, जन्मदिन मेरा था कल, तो मैंने कहा मना नहीं आ रही, मेरी बहन ने कहा तेरी टांग ने तोड़ दूंगी, वही जन्मदिन मना लिया हमारे बालकों को लेकर। ठीक, अब तू यहाँ बीच में घुस गई, किसानों को सारी जिंदगी साथ दी है, युवाओं को साथ दिया, महिलाओं को साथ दिया, हम वही आ रहे, कहाँ पता रही है, तो वो लोग आए मेरे घर से परिवार वाले, तो पुलिस आ गई, आपने सारा माहौल देखा, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, बाकी बाद में किरण मैडम ने तो मेरे से यही कहा था, गुड़िया अगर आपको कोई परेशानी हो आप मेरा नंबर ले लो, और मुझे ऐसा फोन करके बताया गया है कि तुम्हें दिक्कत हो रही, मैंने कहा मैडम मुझे तो कोई दिक्कत ना हो रही, अगर मुझे दिक्कत होगी इतने सारे जने इन तक कहूंगी ना, थारा तो नंबर बाद में यहाँ आवेगा। दूसरी बात, सरकारी सुविधा बहुत दे रखी है, उनको इस्तेमाल करूंगी अगर मुझे दिक्कत होगी, आज तक तो कोई दिक्कत हुई ना मुझे, इतने दिन हो गए आते आते, बाकी जो माहौल हुआ था सारे कैमरों में वो रिकॉर्ड हुआ, जो मैटर था वो भी हुआ, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आपको भी पता पहली बार हुई, कोई नया चांस ना हुआ, तीसरी बार हुआ। तो मतलब अब अगर आप किसानों की आवाज कर रही हैं, अपनी आवाज कर रही हैं बुलंद, तो सरकार आपके पीछे लग गई और आपसे डर रही है सरकार, इसका मतलब? मुझे तो ऐसे ही लगे, पूनम पंडित की आवाज इतनी जोरदार हो गई दिखे, इनके युवाओं के साथ से और मेरी महिलाओं के समर्थन से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, जो मुझे टारगेट कर रहे हैं स्पेशल।
पूनम पंडित जी, ये जो बीजेपी के नेता हैं ये इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं महिलाओं के लिए, एक बात अगर मैं आपको बताऊं तो वे बिना महिला के आए होंगे, वे बिना महिला के आए होंगे, और दूसरी बात वे महिलाओं के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करें, उनके घर में महिला, उनकी माँ, बहन, बेटी, घरवाली, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बिना महिला के धरती पर आ गए। और मुझे तो ऐसा लगे स्पेशल बीजेपी के नेता ही दिखे हैं वे, जो बिना महिला के आ गए धरती में, जब भी तो महिला का अपमान करना जाने वे। ये कहते हैं कि महिलाओं को विरोध प्रदर्शन आने की क्या जरूरत, क्यों ना आ सके? अरे कौन सी ऐसी लड़ाई है जिसमें महिलाओं ने सहयोग नहीं करा? कौन सी ऐसी लड़ाई है? और कौन से कानून में लिखा कि महिला नहीं आ सकती? अधिकार नहीं है महिलाओं को लोकतंत्र में कि आओ आंदोलन करो, है ना ये अधिकार या नहीं है? ऐसा हो सके मुझे ना पता ही ना ज्यादा पता होगी बाबा, आ ना सके महिला? ये पता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आसाराम और राम रहीम के भक्त हैं, उनके चेले हैं बीजेपी वाले। और अभी कल एक विधायक, भूतपूर्व विधायक पिटा ना, किसको, एक पुत्री को छेड़ने में पिटा ना, तो ये इस सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और सब जितने भी बलात्कार महिला के साथ हुए, किसी कन्या के साथ हुए, सारे बीजेपी वाले हैं। वो सेंगर भूतपूर्व विधायक और भूतपूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद, सब बीजेपी के, और बीजेपी में प्रधानमंत्री से लेके और सारे नीचे तक सारे आसाराम के पैर छूते थे, उसे गुरु मानते थे। तो इन्होंने गुरु दक्षिणा में क्या लिया? नारी शक्ति का अपमान करना। ऐसे ही ये राम रहीम के चेले हैं दोनों, राम रहीम और आसाराम कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोगों का प्रदर्शन नहीं रोक सकते हैं, प्रदर्शन बिल्कुल सही चल रहा है, और कमेटी बनाने की बात कह रही है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट को ना कानून समझान लगे, सुप्रीम कोर्ट को ना समझान लगे ये कानून, वहाँ कौन आदमी बैठे, पढ़े लिखे तो बैठे हैं। अभी नू ना कहने लगे कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट की समझ में ना आ रहे, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों की समझ में ना आ रहे, आंदोलन में औरत नहीं जा सकती, सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से पता हुई वाली बात, आंदोलन में सब जा सके, आंदोलन सब कर सके, कहीं ये उन्हें ना समझान लगे, ज्ञान ना बांटने लगे, क्योंकि ज्यादा बड़े ज्ञान नहीं है सारे। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि जिन किसानों के समर्थन में कानून बनाया था उनको लाकर क्यों नहीं खड़ा कर रहे हो? यही तो बात है, हम भी वही दिन से कह रहे हैं, 45-46वां दिन है आज, हम भी तो कह रहे हैं कि जो इस कानून के में बैठे थे, जितनी बैठकों में वो आदमी बैठे थे, सारे एमपी एमएलए जो भी थे, उन्हें यहाँ लेकर हमारे बीच में, और जितने इसका समर्थन कर रहे हैं हम तो उन्हें भी कह रहे हैं यहाँ लेकर का कुना लेकर का आफत आ गया ऐसी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी वहां से पढ़े लिखे आदमी है, अब लियाओ। आप क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट की इस पूरी कार्रवाई? सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भाजपा और के अंधभक्त जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट को भी देशद्रोही बता देंगे। ये कह देंगे खालिस्तानी बैठे हैं वहाँ के जज। अरे इन्हीं के राज में सुप्रीम कोर्ट को बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा था। इन्होंने लोकतंत्र की सदैव हत्या करी है, और वो संगठन है जो अगर आप किसानों को ढूंढोगे जिसने इनको समर्थन दिया है उनके पास भाजपा की सदस्यता मिलेगी। चाहे नोएडा वाला संगठन उठा के देख लो, चाहे मेरठ वाला देख लो, 20 दिसंबर को इन्होंने किसान समर्थन पीएम बिल समर्थन रैली निकाली और दिसंबर में इन्होंने उस संगठन का पंजीकृत करवाया। तो ये भाजपा के लोग हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जवाब नहीं दे पा रहे। अच्छा जी। पूनम जी, अगर जो कल फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, आज अंतरिम शाम को भी आ सकता है कि जो कमेटी बनाई है उससे पहले सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर सकता है कानून पर, तो आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा अगर कानून होल्ड हो जाएगा तो? देखिए एक बात बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट का तो इसमें वो ही नहीं था, ये तो केंद्र सरकार का मामला चल रहा है। जब तक ये कानून रद्द ना होंगे हम घर जाकर करेंगे, घर जाकर करेंगे का आप बता दो हमें। कानून रद्द होल्ड से मतलब नहीं है, एक बात होल्ड से मतलब नहीं है, कानून रद्द होगा जब ही किसान जाएगा, होल्ड करे कुछ भी करे इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कानून वापसी होगी, बिल वापसी होगी। कोई भी कोर्ट, कोई भी कानून ये नहीं कहता कि आप आंदोलन मत करो, कोई भी नहीं कहता कि आप आंदोलन मत करो। संविधान की इतनी मोटी किताब हैगी, प्रवक्ता स्पेशल तुम पढ़ लो जाके, वहा चाहे तुम यहाँ होल्ड करवा दो, चाहे तुम फारसी करवा दो किसी को, लोकतंत्र में अधिकार आंदोलन कर सको खूब। संविधान के अंदर कानून, संसद के अंदर कानून बना है, संसद के अंदर ही रद्द होगा और ये किसान तब जाएगा, और अगर ये बिल वापसी नहीं तो किसी किसान की घर वापसी नहीं, ये किसान तय कर चुका है। और अगर यहाँ से जाएगा जो किसान जाएगा वो अर्थी पे लेट के जाएगा, जिंदा तो यहाँ से नहीं जाएगा। और अब तो सरकार को बता देना, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अब तो हमारे बच्चों की शादियाँ भी यही होगी, बोला था ना मैंने यही होगी सारी की शादी, साथ का दिक्कत आ रही है, जब हमारे दिक्कत आ रही है, जब देखे ये कहते हैं बड़े बुजुर्गों को घर भेज दो, बच्चों को घर भेज दो, अरे जब उनके बड़े बुजुर्गों के बेटे यहाँ पड़े हैं तो उनको घर कैसे नींद आ जाएगी? और अगर हमने बड़े घर भेज दिए तो इनको रोकेगा कौन?
बड़ों का काम है बच्चों को शांत रखना, और वरना अगर बड़े घर चले गए तो कल का सूरज तब निकलेगा, ये वानर सेना सारी संसद पर खड़ी मिलेगी, इनको रोक के ही हमारे बुजुर्गों ने रखा है। 26 जनवरी को ऐसी चढ़ाई करेंगे आप राजपथ? चढ़ाई ना कहते, वाह सहयोग करना के लाली छब, चढ़ाई ना कहते, चढ़ाई कौन सी, तोप लेके जा रहे हैं। 26 जनवरी में समर्थन करेंगे, और हमें भी सौभाग्य की बात है पहली बार जाएंगे वह परेड में। सारा देश का, मेरे चाचा दिल्ली ना गए हो गए, एक आधे में से ऐसा भी है दिल्ली ना गए जो व्यक्ति बुजुर्ग मेरे, वे परेड में शामिल होंगे तो खुशी की लहर इतिहास रचा जाएगा इतिहास। देश इस बार ट्रैक्टर से किसानों का परेड देखेगा गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पे, जिस दिन तिरंगा और किसान का झंडा ट्रैक्टर पे चलेगा, जब देश को गर्व महसूस होगा और कृषि प्रधान का उदाहरण मिलेगा हमारे देश को। जब देश ट्रैक्टर की रैली पूरे देश की रैली, किसान की रैली, तब पूरे देश में इतिहास में लिखा जाएगा स्वर्ण अक्षरों में हमारे भारत के कि देखो ये वाली रैली देखी गई जैसी देखी गई, किसान आए इसमें पहली बार होगा तो इतिहास लिखेंगे। 72 साल में दिल्ली में ट्रैक्टर पे तिरंगा लग के जाएगा, 72 साल में देश के आजाद हुए के बाद, वो भी किसान लेकर चलेगा तिरंगा लगा का झंडा। ये कहते हैं ना जो ये जो जो हमें नक्सली कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, ये वे लोग हैं जब देश की आज़ादी हो रही थी तो ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे आरएसएस वाले, और इन्होंने अपने उस पे नागपुर पे तिरंगा आज तक नहीं लहराया, और ये तिरंगे को रोकने की बात करते हैं। ये देश का किसान है, गर्दन कटा देगा, तिरंगे का अपमान नहीं होने देगा। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरे देश को और सरकार को भी कि जब किसानों का ये परिणाम लिखा जाएगा, किसानों के इस आंदोलन का जब परिणाम लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी ऐसा उसमें लिखा जाएगा। और दूसरी चीज़ नौजवान भी सुन ले, शादियाँ उन्हीं छोरों की होंगी हिंदुस्तान में जिसके सीने पे खून से इंकलाब लिखा जाएगा। तो ये पूनम पंडित जी और ताऊ जी मेरे साथ जुड़े हुए थे जिनसे बात करी। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई है आज, लग रहा है जैसे जो सरकार चाह रही थी सुप्रीम कोर्ट से कि वो आंदोलन को बीच में ही उठा दे, वो नहीं कर पाई, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि आंदोलन नहीं रुकेगा लेकिन कानून हम जरूर होल्ड पर डाल सकते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।